सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल अच्छे से होगे। और अब हम लोग देखेंगे अपना ज्योग्राफी का चैप्टर, जो कि है ज्योग्राफी वाला पार्ट। इनफैक्ट शुरू हो चुका है। और देखो, आपको एग्ज़ाम में 5 चैप्टर्स ही पढ़ने होते हैं, इसलिए मैंने सबसे इजी वाले सेलेक्ट करके ही डाले। तो आपका चैप्टर है सॉइल्स इन इंडिया, और इसके बाद सॉरी बात होगी आगे, और आगे मेरी ही ऑडियो आएगी। और आप अपने साथ एक बुक कॉपी ज़रूर लेके बैठना, ताकि आपको हर चीज़ का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलता जाए। और बहुत शॉर्ट वीडियो में रखूँगा, ताकि आपको ज़्यादा इसमें टाइम अपना निकालना पड़े। फटाफट मेरी ऑडियो सुनते जाओ, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। और अब हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी वाला पार्ट। और उससे पहले मैं आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल फॉर योर एग्जामिनेशंस, अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अब हम बढ़ते हैं ज्योग्राफी की तरफ। और ज्योग्राफी में हम लोग देखेंगे आपका पहला चैप्टर। देखो ज्योग्राफी में क्या होता है, ICSE के पेपर में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से एनी 5 चैप्टर, मतलब 5-7 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से हर चैप्टर के ऊपर क्वेश्चंस बेस्ड रहेंगे, और उसमें से आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो मैंने इसमें से 5 इजी चैप्टर्स सेलेक्ट किए हुए हैं, जिसको आप भी पढ़ोगे, छोटे ही हैं और एग्ज़ाम में करने में भी आसानी होगी, जिससे आपको मैक्सिमम नंबर्स भी गेन हो जाएंगे। ठीक है, फटाफट देखते हैं अपना पहला चैप्टर जो कि है सॉइल्स इन इंडिया, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे और फटाफट अपना चैप्टर फिनिश करेंगे। ठीक है, तो फटाफट समझ लो पहले सॉइल का मतलब क्या होता है। सॉइल क्या होती है, जो मेंटल रहता है, क्रस्ट के ऊपर जो एक फ्यूटाइल लेयर होती है, एक अपर थिन लेयर होती है, जिससे जो ऑर्गेनिक डेड मैटर और छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स, काफ़ी फ्यूटाइल किसी रिवर के साइड की जो सॉइल होती है, छोटे छोटे फाइन पार्टिकल ऑफ डस्ट, उन सबसे मिल के सॉइल बनती है, जो कि आपकी खेती वगैरह के लिए बहुत काम आती है। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल। सॉइल्स क्या है, सॉइल्स में सब देखो, मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि सारे आपके कल्टीवेशन में, सारे अनाज वगैरह उगाने में और बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़ होती है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली दोनों तरीके से आपके काम में आ जाती है। ठीक है, और इंडिया के लिए, इंडिया एज अ एग्रीकल्चर कंट्री, यहाँ पे सॉइल तो एज अ मस्ट है। और यहाँ पे मतलब इंडिया पूरा एग्रीकल्चर और खेती किसानी पे डिपेंडेंट रहता है, तो सॉइल उसके लिए चाहिए ही चाहिए, और अच्छी सॉइल होनी चाहिए। ठीक है, और इंडिया की मतलब ये आप समझ सकते हो कि इंडिया काफ़ी खुश नसीब है कि इसके हर पार्ट में, हर जगह डिफरेंट टाइप्स की सॉइल है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की कल्टीवेशन हो पाती है। ठीक है, अब देखो क्या है सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल बनती कैसे कैसे है। एक तो पेरेंटिंग मटेरियल यहाँ पे क्या होता है कि जो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया, जो आपकी कहीं से सॉइल है, वो वेदरिंग के कारण, किसी की भी वजह से, कहीं से कोस्टल एरिया से होके आई, कहीं रिवर के डेल्टा से होके आई है, कुछ जो बड़े बड़े पत्थर थे, कुछ ऐसे वेदरिंग कंडीशन हुई, कुछ ऐसे क्लाइमेटिकल चेंज हुए कि जिससे वो टूट टाट के बिल्कुल एक फाइन ग्रेन पार्टिकल में बन गए, और काफ़ी सारे उसमें डेड ऑर्गेनिक मैटर, हमस जिसको आप बोलते हो, अब ये सब आगे पढ़ेंगे। तो हमस वो होता है जो मतलब कि डेड रिमेंट्स, जो पहले के टाइम में जो मतलब जानवर वगैरह मर जाते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, वो मिट्टी में दबे रह जाते हैं, और दबने के बाद वो एक उनके लिए ऑर्गेनिक मैटर बनता है, जिससे सॉइल बहुत फर्टाइल हो जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है रिलीफ। रिलीफ होता है कि मतलब सॉइल को हम कैसे उसको बढ़ाएं अच्छे से, ये एक ऐसा भी प्रोसेस समझ सकते हो, रिलीफ ऐसा आप देख सकते हो। मोटा मोटा आपको यही बता दे रहा हूँ कि जितना हायर एल्टीट्यूड पे आप जाओगे, तो सॉइल थोड़ी इनफर्टाइल होती जाती है, उसमें जो अभी आप पढ़ोगे सारे जो ऑर्गेनिक मैटर रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं, ये सब बहुत कम होते चले जाते हैं। और जितना डेल्टा साइड, रिवर साइड, प्लेन साइड में रहेगी, जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स में और भी आपके कई सारे प्लेन्स हैं, वहाँ पर अगर आप देखोगे तो सॉइल आपकी फर्टाइल होती है, क्योंकि वो रिवर के आसपास होती है और वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर भी काफ़ी अच्छे से मिल जाते हैं। अब है तीसरा पॉइंट क्लाइमेट। क्लाइमेट का भी बहुत बड़ा वो है, देखो जितना अच्छा क्लाइमेट होगा, और मतलब मॉडरेट क्लाइमेट होगा तो बहुत अच्छी बात है, और सॉइल अपने हिसाब से अपने आप को एडजस्ट नहीं बल्कि ह्यूमंस को एडजस्ट करना पड़ता है, लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है सॉइल को अपने हिसाब से, कि कब कौन सी हम क्रॉप बोएंगे,
तो हमें ये वाली क्रॉप का फायदा, मान लो कभी जैसा होता है ना, राइस को बहुत बारिश की ज़रूरत होती है, तो अगर हम बारिश के टाइम में गेहूँ उगा देंगे तो वो काम नहीं बन पाएगा। और वैसे ही हम अगर जैसे ठंडी के टाइम में गेहूँ उग जाता है और उसे बहुत स्केयर्स वाटर चाहिए होती है, बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, तो अगर उतने टाइम हम चावल उगा देंगे तो चावल उग नहीं पाएगा। तो इसलिए लोगों के एक्सपीरियंस से धीरे धीरे लोगों ने क्लाइमेट के हिसाब से सॉइल को एडजस्ट करना सीख लिया है। ठीक है, अब देखते हैं फटाफट सॉइल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया कहाँ कहाँ पे, मतलब इंडिया में बेसिकली, ज्योग्राफी आपकी इंडिया की है, इंडिया में बेसिकली सॉइल कितने तरीके से या कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, फटाफट देख लेते हैं। पहला है एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल वो सॉइल होती है जो कि डेल्टा रीजन से रिवर के जो साइड साइड में फर्टाइल मिट्टी होती है वो उड़ के या तो पानी के थ्रू या तो फ्लो होके आपके नॉर्दर्न प्लेन में बिक जाती है। ये अपर लेयर होती है और सी वेव से भी कभी कभार आ जाती है। ठीक है, और तो इसका ये समझ सकते हो तीन लेयर में डिवाइड होती है। पहले वाली थोड़ी सी वो होती है, कोर्स नेचर की होती है, बीच वाली मीडियम कोर्स होती है, लास्ट लेयर जो होती है वो बड़ी थिन कोर्स होती है, मतलब बहुत कम भुरभुरी टाइप की। ठीक है, अब इसकी दो पार्टीशन भी कर दिए गए, एक होती है ओल्ड एल्यूवियल सॉइल, एक होती है न्यू एल्यूवियल सॉइल। ओल्ड वाले को बोलते हैं भांगड़, और भांगड़ बोलते हैं, और जो न्यू वाली होती है उसको बोलते हैं खद्दर। तो अब देखो क्रॉप्स इसमें कौन कौन सी उगाई जा सकती है। एल्यूवियल सॉइल नॉर्दर्न प्लेन में पूरी फैली हुई है, जैसे आप समझ सकते हो यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का थोड़ा सा पार्ट, अरे बिहार वगैरह हो गया आपका, और पंजाब, इन सब में सारी सॉइल फैली हुई है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी क्रॉप्स उगाई जा सकती है, बहुत फर्टाइल होती है, तो ऑलमोस्ट हर ही चीज़ उगा सकते हो इस पर आप, राइस, वीट, शुगर केन, टोबैको, जूट, वेजिटेबल, फ्रूट, सारी चीज़ उग जाती है। ठीक है, अब रीजन्स कहाँ कहाँ, मतलब कहाँ कहाँ पे सॉइल पाई जाती है, अभी आपको क्विक तो दे चुका हूँ, देखो कहाँ कहाँ मिलती है। ग्रेट इंडो जायरेंटिक प्लेन, यहाँ पे आपका जो नॉर्दर्न प्लेन है पूरा कवर होता है, इसमें आपका पंजाब हो गया, पंजाब से लेकर पूरा, और ये कृष्णा गोदावरी, आप ऐसे समझ सकते हो पूरा इनका जो वो होता है, पंजाब से लेकर पूरा ये बीच में राजस्थान, राजस्थान राजस्थान का कुछ पार्ट, और बीच में दिल्ली, दिल्ली से पूरा नॉर्दर्न प्लेन कवर करते हुए कोलकाता साइड भी थोड़ा सा, और आगे जाके आसाम में भी थोड़ी थोड़ी सॉइल मिल जाती है। इसमें मैसिव पोर्शन इसका थोड़ा सा एंड ये वेस्टर्न घाट्स में भी है और ईस्टर्न घाट्स में भी मिल जाएगा आपको, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पोर्शन है वो आपका नॉर्दर्न प्लेन में ही है। ठीक है, ये आपका हो गया एल्यूवियल सॉइल। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, वो है ब्लैक सॉइल। वो ब्लैक सॉइल इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि ये मतलब कॉटन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कॉटन कॉटन इसी में ही जल्दी से उगता है, और इसका ये समझ सकते हो कि इसमें सॉइल जो होती है इसमें न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटैश, लाइम, ये सब बहुत मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और ये देखो इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये थी जो वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी, देखो ये होती है बहुत एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल से बनी होती है और ब्लैक कलर की होती है सॉइल, ब्लैक कलर की, बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक नहीं होती, ब्राउनिश ब्लैक कलर की होती है। ठीक है, तो डेकन प्लेटू में जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था या वॉल्केनिक एक्टिविटी आसपास में होती, तो वहाँ से ये ओरिजिनेट हुई। ठीक है, और ये सॉइल आपको पहले न्यूट्रिएंट तो मैं बता चुका हूँ, और ये सॉइल इसमें डिफिशियंसी किस चीज़ की, वो फॉस्फोरिक कंटेंट की वजह से, फॉस्फोरस बहुत कम पाया जाता है, और ये सॉइल जानी जाती है बहुत ज़्यादा आपके लो हेलो और ये सॉइल जानी जाती है बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड करने के लिए। ठीक है, अब रीजन्स कहाँ कहाँ पे हैं, कहाँ कहाँ पे आपके इंडिया में ये सॉइल फैली हुई है, महाराष्ट्र पूरा कवर है इसका, और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, बहुत सारी जगह पे सॉइल फैली हुई है, और थोड़ा सा जो वो वाले होते हैं प्लेट्यू टाइप के रीजन्स होते हैं वहाँ पे क्रॉप, यहाँ पे वहाँ पे सॉइल पाई जाती है। ठीक है, कॉटन सबसे मोस्टली इम्पॉर्टेंट क्रॉप है जो यहाँ पे उग जाती है अच्छे से, अदरवाइज थोड़ा सा फ्यूटाइल और थोड़ा सा इसमें खाद वगैरह और थोड़ा सा इसकी फर्टिलिटी बढ़ाने के बाद इसमें बहुत सारी और भी क्रॉप्स उगाई जा सकती है, शुगर केन, वीट, टोबैको, ऑयल सीड्स, तेल निकालने वाली चीज़ें, वो सब निकाली जा सकती हैं इनसे। ठीक है, अब तीसरा है आपका रेड सॉइल। रेड सॉइल जो होती है इसमें, ये रेड सॉइल क्यों कही जाती है, क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, और ये मेटामॉर्फिक रॉक के डिस्ट्रीब्यूशन से या टूटने से ही बनी हुई है। ठीक है, फीचर्स क्या क्या हैं इसके, अब देख लो, ये कोर्स मटेरियल की होती है,
और रेड इसलिए होती है क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट बहुत ही ज़्यादा होता है, वेरी करती है कई जगहों पे, कहीं पे चॉकलेट ब्राउन होती है, कहीं पे येलो होती है, कहीं पे रेड होती है। और वाइड वाइड डिफ्यूशन देन हाईर परसेंटेज ऑफ आयरन कंटेंट, वही अभी आपको जो बताया, जहाँ पे क्योंकि इसका रेड कलर इसीलिए होता है क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा है। आयरन कंटेंट तो है लेकिन अब इसकी डिफिशियंसी क्या क्या है, इसमें कमी किस चीज़ की है? फॉस्फोरिक एसिड की कमी है और ऑर्गेनिक मैटर की कमी है और इसमें नाइट्रोजिनस मटेरियल की कमी है, लेकिन पोटैश है इसमें अच्छे में। ये सॉइल दोनों तरीके से यूज़ की जाती है, आप समझ सकते हैं, उसको फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं किसी मतलब छिड़कने वगैरह के लिए, कीट पेस्टिसाइड्स वगैरह। और अगर इसमें से थोड़ा सा फर्टिलिटी बढ़ा दी जाए तो इसमें क्रॉप्स भी उगाई जा सकती है। क्रॉप कौन कौन सी हो सकती है? कॉटन, व्हीट, राइस, पल्सेस, दाल वगैरह, ये सारी उगा सकते हैं इसमें, ठीक है। अब देखो रीजन कहाँ कहाँ पे, कहाँ कहाँ पे आपको पाई जाती है। प्लेट्यू रीजन, इसको प्लेट्यू रीजन में भी इसको पाया जाता है। मध्य प्रदेश में कुछ पार्ट कवर करता है और आपका पूरा आंध्र प्रदेश आता है इसके अंदर, उड़ीसा में, और छोटा नागपुर प्लेट्यू है एक झारखंड में जगह, वहाँ पे भी ये काफ़ी अच्छी जगह से पाई जाती है, ठीक है। चौथा पार्ट है आपका लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल एक वर्ड होता है, मतलब लेटराइट मतलब होता है ब्रिक, लैटिन वर्ड है ये, इसका मतलब होता है ब्रिक, मतलब वो जो ईटा होता है वैसा। ये क्रॉप मतलब कल्टीवेशन के लिए तो होती नहीं है, बहुत एसिडिक नेचर में होती है, कोर्स होती है, क्रम्बली होती है, और ये मतलब वो नहीं होती, मतलब जल्दी से जैसे मिट्टियाँ होती है ना भुरभुरी टाइप की, ये बहुत होल्ड रहती है, बहुत मजबूत मिट्टी, मजबूत समझ सकते हो, मजबूत मिट्टी होती है ये। इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, लेकिन जब अगर उसके अंदर पहुंचा दी जाए तो इसमें भी कुछ क्रॉप्स उगाई जा सकती है। ज़्यादातर इसमें ट्रीज़ उगाए जाते हैं, क्रॉप्स नहीं उगाई जाती, ठीक है। कौन कौन सा? कॉफ़ी, टी, रबड़, सिंचोना, कोकोनट, कैश्यू नट्स एंड टैपियोका, इस तरह के मतलब कुछ प्लांट्स या ट्रीज़ हैं जिसको उगाए जाते हैं, क्रॉप्स मेजरली नहीं उगाई जाती। कहाँ कहाँ पाई जाती है देखो, ये इसका जो वो है आप समझ सकते हो, इसका ये जो समझ सकते हो ये डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में, बहुत कम कम जगह पे है। वेस्टर्न घाट्स में है, केरला में है, विंध्यास में है, सत्यपुरा में है, हिली एरियाज़ में थोड़ा सा रहता है, और मालवा प्लेट्यू में है, और मेघालय में है, आसाम में। अब देखो दो आपकी बची है, कंबाइनली इनको बता दे रहा हूँ। माउंटेन सॉइल और डेजर्ट सॉइल कौन सी होती है? माउंटेन सॉइल वहाँ जाओगे हिमालयन रीजन में पाई जाती है, जम्मू कश्मीर वहाँ पे, ठीक है। ये सारी ज़्यादातर वो नहीं होती, मतलब कि क्रॉप्स नहीं उगाई जा सकती इसमें, स्पाइसेस, टी, कॉफ़ी, इस तरह की चीज़ें इसमें उगाई जा सकती है, ठीक है। इसमें ज़्यादा इसका कंपोजिशन नहीं दिया है, लेकिन आप फॉर्मेशन ऐसे समझ सकते हो कि स्नो, रेन और वहाँ के जो कुछ पार्टिकल्स या रॉक पार्टिकल्स थे उससे जो मिल के ये सॉइल बनी है, ठीक है। डेजर्ट सॉइल वो सॉइल है जो आपके पूरा राजस्थान वाला एरिया कवर करती है, मतलब बिल्कुल लेफ्ट मैप अगर आप देखोगे, बिल्कुल लेफ्ट साइड का राजस्थान वाला पार्ट ही कवर करते हैं पूरे, ठीक है। इसमें भी अगर थोड़ा सा हम डाल लें आपका वो क्या बोलते हैं, अरे ऑर्गेनिक मैटर और फर्टाइल इसको करा दें, तो इसमें भी कुछ क्रॉप्स उगाई जा सकती है, बाले, कॉटन, व्हीट, मिलेट, मेज, पल्सेस, ये सारी चीज़ें उगाई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें कहाँ कहाँ पे है देखो, राजस्थान का पूरा वेस्टर्न पार्ट पूरा कवर रहता है, थोड़ा सा पार्ट गुजरात का और थोड़ा सा सदर्न पंजाब का, ठीक है। अब ये है इसमें कि हम क्रॉप को कैसे कैसे इसका मतलब बचाया जा सकता है, क्रॉप को बचाने के मेथड्स क्या क्या हैं वो उसके बारे में देखेंगे अभी, ठीक है। सॉइल इरोजन देखो फटाफट क्या होता है। सॉइल इरोजन वो होता है जो मतलब कि अपर सॉइल, जो सॉइल होती है उसकी अपर फर्टाइल लेयर जब हट जाती है तो फिर वो लैंड कल्टिवेबल नहीं होती, वो किसी लायक की नहीं बचती है, ठीक है। ये आप बाद में भी जाके देख सकते हो। देखो एक होता है, इसमें भी कई सारे डिस्ट्रीब्यूशन है, रिल इरोजन, गली इरोजन, स्टीम बैंक इरोजन, स्लिप इरोजन, विंड इरोजन, ये सारे तरीके, मतलब इन इन तरीकों से ये सॉइल हट जाती है, पूरी निकल जाती है, ठीक है। ये सारी थी, अब फटाफट आप इसमें वो देख सकते हो। अब इसमें थोड़ा सा वो भी है कि आप कैसे सॉइल को बचा सकते हो क्रॉप रोटेशन करके, मतलब कि सही तरीके से क्रॉप उगाएं कि मतलब रोटेशन सही से चल सके, कहीं उल्टा सीधा आगे पीछे ना क्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। हाँ फटाफट ग्लोसरी की तरफ देख लो, सॉइल क्या है? सॉइल एक ऐसी क्रस्ट के ऊपर ऐसी लेयर है जिस जो हमको कल्टीवेशन में मदद करती है, जो हमारे प्लांट्स और ट्रीज उगाने में मदद करती है।
सॉइल इरोजन क्या है? रिमूवल ऑफ अपर फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल, जिसमें कि प्लांट उगते हैं वो लेयर हट जाए किसी भी मीडियम से, चाहे वो विंड के थ्रू हट जाए, चाहे फ्लड के थ्रू हट जाए, चाहे वेदरिंग के थ्रू हट जाए, कोई सा भी हो। गली इरोजन वो होता है जब मतलब कि बड़ा बड़ा जो कभी कभार होता है ना, एक बार में बहुत ढेर पानी आ जाता है, तो उससे क्या होता है, पूरी बीच में से ज़मीन ही फट टाइप जाती है, फट जाती है ऐसे। तो वहाँ पे क्या होता है, ज़मीन का बहुत सारा पोर्शन हट जाता है, वहाँ से सॉइल आपकी पूरी पूरी हट जाती है। काउंटर प्लगिंग क्या होता है कि वहाँ पे ऐसे ऐसे मतलब खेत उगा रहे हो आप, अनाज वगैरह उगा रहे हो, तो वहाँ पे बीच में ऐसे ऐसे जगह पे पेड़ लगाओ जिससे उस सॉइल को पकड़े रहे। मान लो कभी ऐसा बहुत तेज़ हवा चली, बहुत सारा कुछ काम हुआ है, वेदरिंग हुई, तो उससे सॉइल हटे ना, सॉइल इरोजन ना हो पाए, ठीक है। और ये स्लिप इरोजन बहुत इजी है। स्लिप इरोजन ऐसे समझ सकते हो, जब वो होता है, कभी आपने देखा होगा बारिश या पानी वानी डालो बाहर, तो उतना एरिया पूरा साफ हो जाता है, पूरी मिट्टी वहाँ की हट जाती है। तो वैसे ही होता है स्लिप इरोजन में, जब बहुत भारी बारिश होती है तो जो बहुत सारी जो अपर लेयर होती है, जो लूज़ मिट्टी होती है, वो निकल जाती है। अगर क्रॉप उगी है तो नहीं उग पाएगी, नहीं हट पाएगी, और अगर क्रॉप उगी हुई है तो उसमें नहीं उग पाएगी, मतलब इरोजन नहीं हो पाएगा। और अगर क्रॉप नहीं उगी है तो फिर आपकी पूरी फर्टाइल लेयर चली जाती है उसमें, ठीक है। ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या है? वो सॉइल जो नेचुरल एजेंट्स के थ्रू कहीं से कहीं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दी गई हो ऑटोमेटिकली। मान लो कहीं से कोई बहुत तेज़ हवा चली तो मिट्टी ओढ़ के कहीं दूसरे रीजन में चलेगी, इस तरह बहुत वो है, बहुत सारे देखा गया। इनफैक्ट आपके जो डेल्टा रीजन से जो एल्यूवियल सॉइल बनी है, वो ट्रांसपोर्टेटेड ही सॉइल होती है, ठीक है। इन सीटू मतलब, इन सीटू मतलब वो होता है जहाँ पे सॉइल बनी, समझ रहे हो, वो सॉइल जहाँ पे बनी वहीं पे पाई जाए, ठीक। हमस वो होता है, खाद वही होती है जो ऑर्गेनिक मैटर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल्स। डिफॉरेस्टेशन होता है रिमूवल ऑफ ट्रीज, कट डाउन ऑफ ट्रीज, पेड़ को हटाना। सॉइल कंजर्वेशन वो होते हैं, वो मेथड जिससे कि हम इरोजन और डिफॉरेस्टेशन को हटा सके और अपनी सॉइल बचा सके। और डिफॉरेस्टेशन का अपोजिट समझ सकते हो, वो होता है एफॉरेस्टेशन, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे अपना चैप्टर को फिनिश, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से पूरा चैप्टर समझ आया होगा। फटाफट इसको सुनते जाना, मेरी रिकमेंड तो नहीं करूँगा इसको 2x की स्पीड में सुनो, बट हाँ थोड़ी सी अगर आपकी स्पीड बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।